नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल माँ डिजिटल सेवा और एमडीएस टेक एंड न्यूज में। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं आपके कहने के बाद ही ये वीडियोस, क्योंकि फ्रेंड्स आपको मैं ऑलरेडी पहले ही INS एग्जाम का जो है वीडियो बना करके दे चुका हूँ। कुछ कमियां रह गई थी, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम जो आपको नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं कि मेरा जो डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, ये काफी प्रॉब्लम्स ऐसी रही कि मेरा कितने नंबर पर जो डाउनलोड हो जाएगा, मैं सब इस वीडियो के माध्यम से आपको जो बताने जा रहा हूं। तो फ्रेंड्स जुड़े रहे हमारे साथ, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और देखते रहना है अंत तक। मैं हर जो क्वेश्चन है उसका जवाब दूंगा मैं आपको, साथ ही आपको लाइव दिखाऊंगा मेरे पास दूसरा जो आईडी है उसका लाइव करके दिखाऊंगा मैं आपको किस तरीके से जो है आपको एग्जाम क्लियर करना है। तो फ्रेंड्स सिंपली ये आपके आग्रह के बाद ही दोबारा से वीडियो बना रहा हूं। कोई भी ये कमेंट ना करे कि फालतू की वीडियो, तो मैं प्लीज अगर इस तरीके करोगे तो मैं कोई वीडियो आपके लिए नहीं बनाऊंगा। मैं आपके लिए ये चुन करके हर जानकारी लेकर के आने की कोशिश करता हूं और सीएससी और किसी भी प्रकार की सीएससी रिलेटेड जो भी जानकारी आएगी मैं आपको सबसे पहले देने की कोशिश करता हूं। तो फ्रेंड्स बने रहिए मेरे साथ, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाकर और नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए। हमारे दोनों चैनल को जल्दी से फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही जिन लोगों ने सब्सक्राइब करेंगे उनका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, क्योंकि हम लाते रहते हैं टेक्निकल न्यूज, एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस और सॉफ्टवेयर रिलेटेड वीडियोस, कंप्यूटर संबंधी सभी समस्याओं का समाधान। तो फ्रेंड्स सीधा आपको ले चलते हैं वेबसाइट पर। यहां पर दिख रहा है आपको इंश्योरेंस की जो वेबसाइट है INS, जो कि एक रुपए में हो रहा है, आपको पता है ये। सिंपल आपको बता दे, 3 मई तक ही ऑफर है, 3 मई के बाद आप जो ऐसे एग्जाम को जो है नहीं दे पाएंगे। तो फ्रेंड्स अगर दोगे तो आपको 200 रुपए इसका चार्ज देना पड़ेगा। तो फटाफट से रजिस्ट्रेशन करें और जो है मॉड्यूल कंप्लीट करें। तो फ्रेंड्स प्रोसेस क्या है, आपको यहाँ से रजिस्ट्रेशन करना रहेगा, जिसका वीडियो मेरे जो है चैनल पर डाला हुआ है ऑलरेडी, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। साथ ही फ्रेंड्स मैं आपको आईबटन में और लास्ट स्क्रीन पे भी इसका वीडियो दे दूंगा और वहां से आप जो है इस वीडियो को देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स सीधा आपको ले चलते हैं LM लॉगिन के पास। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको लॉगिन करना रहेगा, तो सिंपली यहां से आपको लॉगिन करना है। यहां पर मैंने लॉगिन पर क्लिक कर दिया है, करने का इस तरीके से आ जाएगा। यहां पर आपको अपनी रजिस्टर्ड ईमेल जो आपकी आईडी है सीएससी आईडी और यहां पर रजिस्टर्ड पासवर्ड जो है मोबाइल नंबर डालना रहेगा। सिंपली मैं डाल देता हूं, लॉगिन कर लेता हूं। जैसे फ्रेंड्स लॉगिन कर लिया है, लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। सभी मॉड्यूल कंप्लीट करने के बाद आपको मॉड्यूल कंप्लीट करने रहेंगे 15। आप काफी लोगों का मॉड्यूल कंप्लीट करते समय पर भी कि मेरा एक मॉड्यूल खुला है दूसरा मॉड्यूल नहीं खुला है, तो मैं आपको बता दूं आपको करना क्या है। सिंपली मैं आपको क्लिक करके दिखा देता हूं, मॉड्यूल आपके सामने आ जाएगा। इस तरीके से मॉड्यूल आना है और आपको कोई दूसरी भाषा सेलेक्ट नहीं करनी है मॉड्यूल कंप्लीट करने के लिए। पढ़ना है तो आप इंग्लिश में, हिंदी में पढ़ सकते हो और दूसरी भाषाओं में पढ़ सकते हो, लेकिन मॉड्यूल कंप्लीट करने के लिए आपको इंग्लिश पर क्लिक करना है और वन बाय वन आवर के बाद, मतलब एक एक घंटे के बाद आपको जो है अपने सभी मॉड्यूल ओपन करके देख लेने हैं, जिसके बाद आपका जो है इस तरीके से आ जाएगा इंटरफेस। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एग्जाम लिंक, सिंपली आपका एग्जाम लिंक पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप एग्जाम लिंक पर क्लिक करोगे इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा, क्लिक हियर स्टार्ट योर एग्जाम, सिंपली यहां पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने आपका पहला प्रश्न जो है आ जाएगा, जो कि आपके सामने आने वाला है इस तरीके से। सॉरी, अभी जो है स्टार्ट विंडो आएगा, स्टार्ट टेस्ट नाउ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा। यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ऑरिजिन्स ऑफ द मॉडर्न इंश्योरेंस बिजनेस कैन बी ट्रेस्ड टू। तो इसमें लॉयड है आंसर इसका, लॉयड और सभी के में एक ही आने वाले, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्लिक कर देना है। करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद आपके सामने जो है आंसर सही हो चुका है, ओके कर देना है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है LIC ऑफ इंडिया एक्ट वाज पास इन जून 1956 बट इट्स कम इनटू फोर्स ऑन, तो 1 सितंबर 1956 इसका जवाब है। सिंपली इस पर क्लिक कर देना है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्लिक कर देना है। और मैं बता दूं ये जो है सभी का इंग्लिश में ही एग्जाम होगा, आप पढ़ सकते हो अदर भाषा में लेकिन एग्जाम आपको इंग्लिश में ही देना रहेगा। सिंपली इसको ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ चुका है। यहां पर आपको देखना मिल रहा है एवरी इंश्योरेंस कैरिंग ऑन द बिजनेस इन इंडिया सेल इन्वेस्टमेंट एंड द टाइम ऑफ कीप ऑफ इन्वेस्टमेंट अमाउंट नॉट एक्सेटिंग ऑफ देयर फंड्स इन अदर कैपिटल मार्केट्स इन्वेस्टमेंट। तो यहां पर आपको इन्वेस्टमेंट क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स इसका जो क्वेश्चन आपका जवाब है 25 सेलेक्ट कर लेना है परसेंटेज और नेक्स्ट क्वेश्चन क्लिक कर देना है। करने के बाद आपके सामने जो है इस तरीके से आ जाएगा। सॉरी इसका 35 था, एक आध क्वेश्चन गलत हो सकता है लेकिन जो है आप यहां पर सही देख लें और हो सके तो एक आध क्वेश्चन गलत ही करें, क्योंकि टोटल सही करने पर आपका काफी बार ऐसा हो रहा है काफी लोगों का खुल नहीं रहा है। तो सिंपली यहां पर आपको 35 आंसर है। इसके बाद आपके सामने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने आ चुका है। यहां पर आपको जवाब देना है इस क्वेश्चन का, जो क्वेश्चन से ओके कर देते हैं। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका, ऑन 20 जनवरी 1956 ऑल लाइफ इंश्योरेंस कवर द ऑपरेटिंग इंडिया वी आर टेकन ओवर द नॉमिनेटेड जो है कोऑर्डिनेट्स। यहां पर आपको सिलेक्ट कर लेना है, जवाब इसका है 43 सिलेक्ट करना है। करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्लिक कर देना है। इसका जवाब आपके सामने 43 क्लियर हो चुका है और ओके कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 5 अमंग द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ रिस्क ट्रांसफर। तो इसमें आपका है इंश्योरेंस पर क्लिक कर देना है और नेक्स्ट क्लिक कर देना है। करने के बाद आपके सामने जो है आंसर जवाब आ चुका है और क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हो चुका है, ओके कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 6 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इसमें से सही स्टेटमेंट कौन सा है उसको क्लिक करके मैं जवाब बताता हूं आपको।
तो फ्रेंड्स इसका जवाब है फर्स्ट वाला, इसको क्लिक कर देना है। करने के बाद आपको जो है नेक्स्ट क्लिक कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने जो जवाब आपका क्लियर हो चुका है, ओके कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7, इसमें 25 क्वेश्चन टोटल आते हैं। आपको पता है या नहीं पता है मैं आपको बता देता हूं। पूरा वीडियोस देखिए जिससे कि आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल सके, और इसी प्रकार नए नए वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। हमारे दोनों चैनल को सब्सक्राइब करें जिसके आपको टेक्निकल, जॉब रिलेटेड, एजुकेशन रिलेटेड वीडियो, सभी प्रकार की वीडियोस जो है जानकारी प्राप्त होती रहे समय से पहले। सिंपली क्वेश्चन नंबर 7, इंश्योरेंस इज अ मैक्सिमम दैट हेल्प्स रिड्यूस एडवर्स कंज्यूमिंग थ्रू, जो भी है इसका जवाब आपका है लास्ट वाला, पुलिंग स्प्रेडिंग एंड शेयरिंग ऑफ रिस्क, इसको ओके कर देना है। नेक्स्ट क्लिक कर देना है। क्लिक करने का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने आ जाएगा, जैसा कि आपका आंसर सही है और ओके कर दिया है। यहाँ पर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 प्रोवाइडेड फॉर, आपको क्या प्रोवाइड कराता है, तो इसका जवाब है आपका फर्स्ट वाला, मेडिकल एंड वर्क्स एंड देयर फैमिलीज वर्किंग इज इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज लोकेटेड ऑफ सर्टेन नोटिफाइड एरियाज, इसको क्लिक कर देना है। करने का नेक्स्ट लिस्ट कर देना है। क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्लियर हो चुका है और आपका जवाब सही है, ओके कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना इज टू बी बेनिफिट पीपल इन केस ऑफ डेथ द स्कीम विद अ प्रीमियम ऑफ ₹330 एंड कवरेज ऑफ 2 लाख इन अवेल टू द पर्सन इन द एज ग्रुप, तो इसका है जवाब 18 से 50, यहां पर सिलेक्ट करना है और नेक्स्ट क्लिक कर देना है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने आ जाएगा, फटाफट से क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब देंगे हम, और क्वेश्चन नंबर जो है 9 आपके सामने, सॉरी 10 क्वेश्चन नंबर आ जाएगा, 9 क्लियर हो चुका है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 10 है, जनरल इंश्योरेंस मींस, जनरल इंश्योरेंस का मतलब क्या है, तो फ्रेंड्स इसका जवाब है लास्ट वाला, ऑल ऑफ एबव, इसको ऑल द एबव पर क्लिक करना है, नेक्स्ट क्लिक कर देना है। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने जो है, एन इंश्योर इज द बाउंड फॉर द फर्निश डिटेल रिगार्डिंग, इसका जो जवाब आपका सबसे लास्ट वाला, ऑल द एबव 3, इस पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्लिक कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 12, यहां पर आपको देखने को मिल रहा है, हाउ ब्रीच ऑफ द ऑलमोस्ट गुड फेथ अकर्स इन द कॉन्टेक्ट ऑफ इंश्योरेंस, तो इसमें इसका जवाब है आपका थ्रू बोथ ऑफ द एबव, इस पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट क्लिक कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने फिर से नया जवाब आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने आ चुका है। यहां पर लिखा है, इन प्रॉपर्टीज इंश्योरेंस इंश्योर बाय इंटरेस्ट मोर द एग्जिटिंग एट द टाइम ऑफ, यहां पर जो इसका जवाब आपका रहेगा इंस्पेक्शन एंड लॉस बोथ, इस पर क्लिक कर देना है और नेक्स्ट क्लिक कर देना है। इसके बाद जो है क्वेश्चन ये क्लियर हो चुका है और ओके कर देना है क्वेश्चन नंबर 13 को। और इसके सामने क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने आ चुका है, जनरली अ पर्सन सीकिंग इंश्योरेंस राइट्स अ फॉर्म द इंश्योरेंस एंड द अप्लाई फॉर द इंश्योरेंस दिस फॉर्म नोन एज, तो यहां पर इसका जवाब है आपका एंडोर्समेंट फॉर्म, इस पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट क्लिक कर देना है। क्वेश्चन नंबर 14 इज कंप्लीटेड, सॉरी इसका जवाब था प्रपोजल फॉर्म, यहाँ पर मेरे गलत हो गया है, मैं ओके कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आ चुका हूँ, यहाँ पर लिखा है, इन एनी कॉन्टेक्ट इफ देयर इज एन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस व्हाट इज द थ्री थर्ड कंडीशंस दैट मस्ट बी फुलफिल्ड टू मेक इट कंप्लीट कॉन्टेक्ट, तो यहाँ पर इसका जवाब है। तो फ्रेंड्स इसका जवाब थोड़ा मेरा कंफ्यूजन में हो रहा है, लेकिन मैं इस पर काउंटर ऑफर क्लिक कर देता हूँ और इसको देखता हूँ नेक्स्ट करके क्या जवाब आता है इसका, आप देख लीजिएगा क्या जवाब है। तो इसका है काउंटर और इसका है कंसीडरेशन है इसका जो जवाब है, तो आप देख लें इसका जवाब जो कंसीडरेशन। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, अफेक्ट द इनफिशियंट इन द प्रूडेंट अंडररेटर्स डिसीजंस टू एक्सेप्ट द रिस्क और नॉट इज नॉन एज, तो इसका जवाब है आपका मटेरियल फैक्ट, इसको सिलेक्ट कर लेना है और नेक्स्ट क्लिक कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने जो है जवाब इस तरीके से क्लियर हो चुका है, ओके कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने आ चुका है, गौतम गेट्स एज द ट्रैक्टर इंश्योरेंस फॉर अ सम सेइंग दैट द ट्रैक्टर इज 2 ईयर ओल्ड बट इन एक्सीडेंट व्हेन द ट्रैक्टर बिकम अ टोटल लॉस द इंश्योर कम्स टू अ नॉन दैट सेड ट्रैक्टर वाज 10 ईयर ओल्ड द इंश्योर कैन रिजेक्टेड द क्लेम स्टेटिंग, तो क्या है इसका जवाब, इसका जवाब है आपका सेकेंड वाला, नॉन डिक्लोजर ऑफ द मटेरियल फैक्ट, इसको क्लिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्लिक कर देना है। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने, और ये ओके कर दिया मैंने, क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने आ चुका है। यहाँ पे लिखा है इंडिविडुअल, जो भी ये क्वेश्चन है इसका, इंडेमनिटी मींस द गारंटी और एश्योर टू पुट द इंश्योर्ड इन द सेम पोजिशन इन विच इज वाज द इमीडिएटली प्रीयर टू द हैपनिंग ऑफ द कंटिजेंसी इंश्योर दैट मीन्स द इंश्योर अंडरटेक्स टू, तो इसमें आपको जवाब है मेक गुड द लॉस, इसको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट क्लिक कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने क्वेश्चन नंबर 19,
आ जाएगा। और ये क्वेश्चन नंबर 19 आ चुका है, यहाँ पर दिया है राम फॉल्स फ्रॉम अ हॉर्स वाय द रीडिंग राइडिंग एंड गॉट हिज लेग फ्रैक्चर, ही केप्ट लाइंग ऑन अ वेट लैंड फॉर द लॉन्ग टाइम बिफोर ही वाज टेकन टू द हॉस्पिटल वेयर ही वाज डायग्नोज फॉर द निमोनिया एंड द डेड ऑफ द निमोनिया द प्रॉक्सिमेट कजिस वाज। तो इसका जवाब आपका एक्सीडेंट फॉल द हाउस, इसको क्लिक करना है, नेक्स्ट क्लिक कर देना है, करने का नेक्स्ट आपके सामने फिर से एक नया जवाब जो है क्लियर हो चुका है। और जो क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने लाइफ इंश्योरेंस एंड मोटर, यहाँ पर जो दिया गया है इसका जवाब है आपका, इसमें क्वेश्चन थोड़ा छिप रहा है लेकिन इसका जवाब मैं आपको बता देता हूँ, इसका मुझे क्वेश्चन नहीं दिख रहा है इस वजह से मैं इसको लगा रहा हूँ सेकंड वाले को, नेक्स्ट कर देता हूँ, क्या ये सही है देखते हैं। ये मैंने क्लिक कर दिया है, क्लिक करने के पास बिल्कुल सही जवाब निकला है और मैंने क्लिक कर दिया है। इसका जो है क्वेश्चन था वो था करेंटली इंश्योर हैज बीन क्लासिफाइड इनटू, मैंने ये तुक्का लगाया है देख करके और ओके कर दिया है, ये क्वेश्चन सही निकला। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 मैस्कुलाइन्स इंश्योर बिजनेस मीन्स अफेक्टिंग इंश्योरेंस कनेक्ट कॉन्टेक्ट ऑन ऑल काइंड ऑफ रिस्क अदर देन, इसका जवाब आपके सामने है ऑल द थ्री अबव, तीनों हैं इसके और नेक्स्ट क्लिक कर देना है। क्वेश्चन नंबर 22 इसके जो टोटल क्वेश्चन है वो आपके 25 है, इसका जवाब सही है और ओके कर देना है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन नंबर 22 सम इंश्योर कैन नॉट बी कैटेगराइज एज द स्टैंडर्ड ग्रुप एंड आर पार्ट ऑफ अदर इंश्योर लाइक, तो यहाँ पर आपका जवाब है ऑल द एबोव, इस पर क्लिक कर देना है और नेक्स्ट क्वेश्चन क्लिक कर देना है। नेक्स्ट करने का क्वेश्चन नंबर जो है सही हो चुका है और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने आ चुका है, इसका जवाब आपका नेक्स्ट है ऑल द इंश्योर इन द इंडिया आर गवर्नमेंट बाय द रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर्म्ड बाय आईआईडी एक्सेप्टेशन, तो इसका जवाब आपका पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस है, इस पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्लिक कर देना है, नेक्स्ट करने का क्वेश्चन से क्लियर हो गया है। इसके बाद जो आपका 24 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और इसका जो है क्वेश्चन है आपका हाउस होल्ड इंश्योर मींस, इसका मतलब क्या है, तो इसका जवाब है बोथ ऑफ द एबोव, इसको क्लिक कर देना है और नेक्स्ट क्वेश्चन क्लिक कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने फिर से जो है क्लियर हो चुका है, ओके कर दिया है और लास्ट क्वेश्चन 25 आपका बचा है, इसका कुछ लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइडेड द प्रोडक्ट लाइक, तो इसका जवाब है आपका बोथ ऑफ द एबोव, इस पर क्लिक कर देना है और सबमिट एग्जाम क्लिक कर देना है। इस प्रकार आपका एग्जाम है जो सबमिट हो जाएगा और सबमिट होने के बाद आपके सामने किस प्रकार का विंडो आने वाला देखते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए बिल्कुल और चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करके रख लेना है क्योंकि आपको इसी प्रकार नई नई जानकारी मिलती रहेंगी। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है आपके क्वेश्चन जो है 24 जो ऑप्टेन क्वेश्चन थे इसमें से आपके 22 मार्क्स आए हुए हैं, आप पास हो चुके हैं, इस पर गो टू होम पेज पर क्लिक कर देना है। इसके बाद क्लिक करने के बाद आप रिडायरेक्ट होकर के सीधे वापस चले जाओगे, अभी ये एरर आ गया अनऑथराइज्ड तो इसको दोबारा से लॉगिन करना रहेगा, तो मैं दोबारा से लॉगिन करके आपको बता देता हूँ। जैसे ही फ्रेंड्स हम फिर से लॉगिन विंडो पर आ चुके हैं, यहाँ पर फिर से वो अपनी सीएससी आईडी और या जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है वो डाल देना और सबमिट करके एग्जाम को लॉगिन कर लेना है। सिंपली फ्रेंड्स मैंने लॉगिन कर लिया है, करने के बाद आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आ चुका है, यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक कर देना है, एग्जाम का लिंक हट चुका है और क्लिक कर दिया, यहाँ पर लिख रहा है डाउनलोड ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, सिंपली सबसे पहले आपको डाउनलोड ट्रेनिंग सर्टिफिकेट करना है और आपका कहना रहता है कि आपका जो है लाइसेंस नहीं दिख रहा है, तो मैं आपको अभी दिखाऊंगा लाइसेंस कैसे दिखता है, इसको क्लिक करके मैं डाउनलोड कर लेता हूं और ये डाउनलोड हो चुका है बगल से इसको और ये डाउनलोड कर लिया है मैंने, करने का अब मैं नीचे आपको ले चलता हूं। इस तरीके से आपको यहां पर स्क्रॉल करना है, बीच में ले जाकर के इस तरीके से स्क्रॉल करना है, लास्ट में आ जाना है और इस तरीके से आप नीचे आओगे तुरंत आपको देखने को मिलेगा प्लीज एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशन, इसको क्लिक कर लेना है, करने के बाद यहाँ पर जो है सिग्नेचर अपलोड कर लेने हैं, तो सिंपली मैं करके आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स स्कैन कर लिया है और मैं अपलोड कर लेता हूं, यहां पर मैंने सेलेक्ट चूज फाइल पर क्लिक कर लिया है, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा नीचे जिसे आप पूछ रहे हैं बहुत समय से, तो मैं आपको बता रहा हूं ये दोबारा से वीडियो आपके लिए अपलोड करना पड़ा है और यहां पर मैंने ये सेलेक्ट कर लिया है, सेलेक्ट करने के बाद अपलोड सिग्नेचर पर क्लिक कर देना है, करने के बाद आपके सामने इस तरीके से सक्सेसफुली आ जाएगा और गो बैक पर क्लिक कर देना है। जैसे गो बैक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने दिखेगा डाउनलोड बीएलई लाइसेंस, सिंपली इस पर क्लिक कर देना है, करने के बाद बीएलई लाइसेंस जो है आपको जो देख लेना है अपना लाइसेंस जो है क्लिक करके देख लेना, तो मैं लाइसेंस आपको दिखाता हूं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने लाइसेंस खुल चुका है और मैं इसको थोड़ा सा हाइड कर दिया है, कुछ जानकारी है नोटपैड के द्वारा ये जो है पर्सनल डिटेल्स है इसलिए मैंने इसको हाइड कर दिया है और ये फ्रेंड्स आपके सामने जो है डाउनलोड होकर देख भी गया है और इस तरीके से आपको जो है अपना देख लेना है लाइसेंस और इसके बाद जो है आपके सामने
ये क्लिक हो चुका है और लास्ट आपके साथ यही था इस वीडियो में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा और साथ ही फ्रेंड्स हमारे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपको मिलते रहेंगे हमारे द्वारा बनाए गए जॉब वाला टेक्निकल न्यूज, एजुकेशन रिलेटेड वीडियो, सभी प्रकार की अच्छी अच्छी खबरें और अच्छी अच्छी जानकारियां, वो भी टेक्निकल भी हो सकती है और सभी प्रकार की न्यूज से जानकारी संबंधित आपको मिलती रहेंगे समय से पहले। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है उनका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।